नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश कुमार पांडे आप सबका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम लोग एम के क्रैश कोर्स को कवर कर रहे हैं उसमें आज आपका सब सबका स्वागत करता हूं ठीक देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट ठीक अगर आप एम का सिलेबस देखेंगे तो एम के सिलेबस में बजट वर्ड यूज़ नहीं किया मतलब उसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है मगर फिर भी फिर भी हम बजट पर आज क्लास ले रहे हैं और ये केवल एम पी ही फोकस नहीं है ये एम पी के अलावा अदर जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आता है ये एकदम करेंट लेवल पर होता है ठीक तो बजट करेंट लेवल पर होता है और अब तो ऐसा है कि ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि अगर ये 2022 चल रहा है तो 2022 में जो बजट पेश हुआ उसको पूछ दें वो 2021 के बजट को भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे उसको वो पूछ सकता है ठीक तो आज आपके सामने 2021 के बजट को लेकर के मैं आज बात चर्चा करूंगा मगर उसको शुरू करने से पहले थोड़ा बजट का इतिहास कि बजट का जन्म कैसे हुआ यह बजट आया क्या और बजट किसको बोलते हैं ठीक तो बजट का डेफिनेशन यह है कि जिसमें आय और व्यय जिसमें एक्सपेंस एंड इनकम का वर्णन होता है ठीक जो किसी अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के आय और उसके एक्सपेंस को इंक्लूड करे ठीक जिसमें आय और व्यय का वर्णन होता है उसे कहा जाता है बजट ठीक ये बजट खाली एक राष्ट्र के लिए नहीं ये हमारे घर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ठीक जैसे हमारे घर में हमारे पापा हमारे फादर्स क्या किए पैसा कमा के लाए और मंथली के महीने के पहली तारीख को पैसा मिला तो पता है तीस हजार रुपये खर्चा होना है मतलब तीस हजार रुपये सैलरी है तो उसको लेकर के मम्मी पहले से प्लानिंग कर लेती है ठीक कि पांच हजार रुपये बच्चों की फीस है दो हजार रुपये सब्जी वाले को है ठीक ओके दो हजार रुपये काम वाली बाइक को है एक हजार रुपये दूध वाले को है तो ऐसा करके पूरा मंथली का क्या बना लेती है खर्चा बना लेती है उसको पता है इनकम ये आ गई अब उसको करना है खर्चा तो जिसमें आय और व्यय का वर्णन होता है उसको कोई उसको ही कहते हैं क्या चीज बजट कहते हैं ठीक ओके okay? तो अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं परिभाषा समझ में आ गई क्लियर परिभाषा पूछेगा नहीं मगर फिर भी याद रखो कि जिसमें आया हुआ का वर्णन होता है सिंपल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है बजट ठीक अब आ जाओ बजट का इतिहास कि बजट की शुरुआत कैसे हुई ठीक तो बजट की शुरुआत के लिए थोड़ा मैं यहां पर कुछ डेट लिख रहा हूं उसको देखिएगा पहला सेवनटीन थर्टी थ्री एटीन थर्टी थ्री फिर एटीन सिक्सटीन ठीक फिर 1921 फिर 1924 फिर 1925 ओके okay, फिर 1947 1950 1992 2000 2017 ठीक क्लियर तो ये आपके बजट के इतिहास की टाइम पीरियड है तो सबसे पहले बजट तो विश्व सब में सबसे पहले बजट आया ब्रिटेन में ठीक उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉल रॉबर्ट वॉल ने एक आय और वे का लेखा जोखा पेश किया था वो एक बैग में उसको लेकर के जा रहे थे जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में एंट्री कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा ये क्या है तो उन्होंने बोला कि ये बोजेट है क्या वर्ड यूज किया उन्होंने बोजेट ये जो बोजेट वर्ड है ये बोलगा शब्द से निकला है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का फैला जिसका अर्थ क्या होता है चमड़े का फैला होता है ठीक तो विश्व में सबसे पहले बजट पेश किया था रॉबर्ट वॉल पोल ने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये बजट वर्ड जो है ये शब्द ठीक उसके बाद सन अट्ठारह सो तैतीस एटीन थर्टी थ्री तो एटीन थर्टी थ्री में भारत में उस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था विलियम बैंटिक ठीक 1828 में वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे इस समय क्या था कि उनको एक अधिकार दिया गया उनको कहा गया कि जितना भी इनकम है और जितना भी करो। तो जब उन्होंने एक्सपेंस और इनकम का लेखा जोखा स्टार्ट किया तो यहां पर उनको जो अधिकार दिया गया था तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बजट बनाने का अधिकार अठारह में दिया गया ठीक और वो किसको दिया गया विलियम बेंटिक को बट भारत का पहला बजट भारत का पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 में अब भारत के पहले बजट पेश किया था किसने जेम्स विल्सन ने इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में फादर ऑफ बजट बोलते हैं मतलब बजट का पिता कहा जाता है किसको जेम्स विल्सन को जो उन्होंने सात अप्रैल 1860 को पेश किया ठीक उसके बाद समय थोड़ा सा आगे बढ़ा और समय आया 1921 का यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था ठीक 1921 और उस कमेटी ने बताया कि बजट के दो प्रकार होना चाहिए और जिस कमेटी का गठन किया गया था उसका नाम था एक्वर्थ कमेटी ठीक इस एक्वर्थ कमेटी ने बोला कि भारत ने बजट दो रूप में पेश हो एक रेल बजट और एक आम बजट तो इस कमेटी की सिफारिश को मानते हुए 1924 में पहला रेल बजट पेश हुआ और उसके बाद 1925 में अलग से आम बजट पेश हुआ मतलब रेल बजट और आम बजट के लिए अलग अलग बजट पेश किया गया एक्वर्ड कमेटी की सिफारिश पर ठीक 1921 में गठित हुई थी ये कमेटी और 1924 में रेल बजट और 1925 में पहला आम बजट पेश किया गया अलग रूप से उसके बाद सन उन्नीस सौ फिर उन्नीस का समय आया जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया छब्बीस नवंबर सन 1947 को सैतालीस को सडमुखम सेठी ने मुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया ठीक है ठीक सडमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया कब छब्बीस नवंबर 1947 को सैतालीस को सेठी उसके बाद भारत गणतंत्र हुआ मतलब हमने संविधान लागू किया ठीक और संविधान लागू किया तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया सन 1950 में जॉन मथाई ने किसने जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया उसके बाद समय धीरे से आगे बढ़ा और आया आपका 1992 का समय ठीक 1992 में टीवी पर लाइव प्रसारण शुरू हुआ बजट का किसका बजट का लाइव प्रसारण शुरू हुआ सन 1992 में उसके बाद सन 2000 और 2001 ठीक सन 2000 में भारत सरकार में बैठे हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी थे भाजपा की सरकार थी इस भाजपा की सरकार में जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा ठीक तो अभी तक क्या होता था कि जब से बजट पेश हुआ ठीक स्वतंत्र भारत मतलब सन 1924 से तो क्योंकि वो तो ब्रिटिश के वाला अलग ही मैटर था तो जब से बजट पेश हुआ तब से बजट पेश होता था शाम को 5 बजे ठीक कब तक सन 2000 तक ठीक सॉरी सन 1999 तक तो 1999 तक बजट पेश होता था शाम के 5 बजे यशवंत सिन्हा ने क्या किया कि सन 2000 में उन्होंने बजट का टाइम चेंज कर दिया ठीक भाजपा के थे वो और भारत के उस समय वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट का समय शाम पांच से सुबह ग्यारह बजे कर दिया तो सन 2000 में तत्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट का टाइम क्या किया इलेवन एम पे कर दिया ठीक कितने बजे ग्यारह बजे कर दिया ठीक उसके बाद समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा और आया सन 2017 का समय ठीक सन 2017 से पहले सन 2015 में भारत सरकार उस समय प्रधानमंत्री थे अपने मतलब है अभी भी नरेंद्र मोदी उन्होंने कमेटी का गठन किया था उस कमेटी का नाम था विवेक देवराय कमेटी इस विवेक देवराय कमेटी ने क्या किया कि उसने दो सिफारिश की मतलब दो सजेशन दिया उसने एक तो उसने बोला कि योजना आयोग का नाम क्या कर दो बदल करके नीति आयोग कर दो ठीक और दूसरा उसने सजेशन दिया कि भारत में जो रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते हैं और जो भारत में बजट पेश होता था तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था तो उन्होंने बजट का टाइमिंग दिनांक या दिन चेंज करने के लिए कहा और रेल बजट और आम बजट को एक करने के लिए कहा तो उसकी सिफारिश को मानते हुए सन 2017 में बजट पेश हुआ एक फरवरी को और रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया एक कर दिया गया दोनों को क्या कर दिया गया एक कर दिया गया तो बजट का टाइमिंग जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में था ठीक वो अब पेश होने लग गया फरवरी के पहले सप्ताह में और इसकी शुरुआत कब हो गई 2017 में और रेल बजट और आम बजट दोनों को भी क्या कर दिया गया एक कर दिया गया ठीक है अब अलग से आम बजट पेश नहीं होता है सन 2022 का बजट ठीक सॉरी ठीक सन 2022 का बजट जो था वह बजट के इतिहास का मतलब अब तक जितना बजट पेश हुआ उसमें उसका, उसमें, सन 2022 का बजट अब तक जितना भी बजट पेश हुआ था उसमें सबसे लंबा बजट भाषण था सबसे लंबा बजट भाषण था दो घंटा चालीस मिनट तक का बजट भाषण चला कितने घंटा दो घंटा चालीस मिनट तक का बजट भाषण चला जो कि बजट के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है ठीक है क्लियर और उसको पेश किया निर्मला सीतारमण ने और 2022 का जो बजट था वो पहला बजट था जो पेपर लेस था ठीक कैसा था पेपर लेस था मतलब डिजिटल रूप में था सबको टैबलेट पकड़ा दिए थे और 2022 का जो बजट था ठीक है इसमें बजट का नाम बदल दिया गया और बजट का नाम क्या रख दिया गया निर्मला निर्मला सीतारमण ने क्या बोला बही खाता क्या नाम रख दिया बही खाता तो ये सब काम हुआ आपका 2022 में पहला सबसे लंबा बजट भाषण था 2022 का दो घंटा 40 मिनट उसके बाद पेपरलेस बजट था ये डिजिटल बजट था भारत का पहला डिजिटल बजट था ये और तीसरा बजट का नाम अब उस जो बैग उन्होंने पकड़ा हुआ था उस बैग में हमेशा बजट लिखा रहता था

ओके okay, अब आते हैं बजट के प्रकार ठीक तो अगर अपन देखते हैं तो बजट के प्रकार तो बजट के प्रकार में आपके पहला बजट होता है आम बजट फिर होता है निष्पादन बजट जिसको परफॉर्मेंस बजट भी बोलते हैं ठीक फिर होता है आपका शून्य आधारित बजट जीरो बेस बजट फिर होता है आउटलुक बजट और एक होता है जेंडर बजट तो बजट के ये पांच प्रकार हैं ठीक आम बजट निष्पादन बजट शून्य बजट आउटलुक बजट और जेंडर बजट निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस बजट शून्य आधारित मतलब जीरो बेस बजट आउटलुक मतलब आउटलुक ही होता है और जेंडर मतलब लिंग के आधार पर बजट ठीक है अब एक एक बजट को थोड़ा सा देखते हैं ठीक है तो देखो तो पहला आपका कौन सा आम बजट तो आम बजट वह जिसमें सरकार के खर्चों का वर्णन होता है जिसमें सालाना आय और व्यय का वर्णन होता है पूरे पूरे राष्ट्र के लिए जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए पूरे खर्चों का वर्णन होता है वो कहलाता है आम बजट जो हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होता है 2017 से जिसको पेश करती है कौन केंद्रीय वित्त मंत्री ठीक एक बात और भारत की पहली वित्त मंत्री महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया था तो भारत की पहली वित्त मंत्री महिला थी मतलब महिला जो वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी वो पूर्ण रूप से या परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी मगर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार बजट पेश किया था तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी बोलेंगे उसको ठीक और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बोलेंगे जिन्होंने बजट पेश किया निर्मला सीतारमन पूर्णकालिक या परमानेंट पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है ना जो कंप्लीटली पूर्ण रूप से फाइनेंस मिनिस्टर बनी वो थी निर्मला सीतारमण, मगर क्वेश्चन पूछा कि भारत में पहली महिला कौन जिसने बजट पेश किया और ऑप्शन में अगर इंदिरा गांधी है तो आंसर इंदिरा गांधी होगा ना कि निर्मला सीता मण निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री जो परमानेंट रही मतलब जो परमानेंट है पूर्णकालिक है मगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी ठीक है क्लियर तो वो बात है ठीक इसके बाद आ गया आम बजट तो आम बजट जिसमें सरकार के खर्चों का वर्णन होता है उसको बोलते हैं आम बजट दूसरा आपका होता है निष्पादन बजट तो निष्पादन बजट को अपन बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट ठीक ये बजट जो होता है ये सरकार उस समय लाती है मतलब उसके लिए पेश करती है कि सरकार को अगर कोई कार्य समय पर पूरा करना है तो उसके लिए सरकार जो बजट लाती है जो आय व्यय का हिसाब लाती है उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस बजट कि कोई कार्य हो उसको समय पर अगर पूरा करना है ठीक क्योंकि सरकार जब बजट पेश करती है तो बहुत सारे कार्य लाती है

Clear? फिर एक होता है आपका जेंडर बजट ठीक तो जेंडर बजट किसको बोलेंगे जब आय और व्यय का हिसाब लिंग के आधार पर हो मतलब जब बजट किस पे बेस करे लिंग पर बेस करे ठीक और ये जेंडर जो बजट था ये मुख्य रूप से किसके लिए था वुमेन्स के लिए तो वुमेन्स इंपावरमेंट महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में इंपावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जेंडर बजट पेश किया ठीक तो जिसमें लिंक के आधार पर आय व्यय का हिसाब हो या लिंक के आधार पर जेंडर के बेस पर बजट का निर्धारण किया जाए उसको बोला जाता है जेंडर बजट ठीक क्लियर ओके इसके बाद एक होता है आपका जीरो बेस बजट जीरो बेस बजट क्या होता है तो जीरो बेस बजट वो होता है जिसमें कौन सा बजट जीरो बेस बजट तो जीरो बेस बजट वो होता है कि जिसमें इनकम कम हो ठीक और एक्सपेंस क्या हो ज्यादा हो तो जिसमें इनकम कम होता है और एक्सपेंस ज्यादा होता है उसको बोला जाता है जीरो बेस बजट और सरकार यहां पर क्या करती है कि यहां पर व्यय की मदों को घटाती है उनमें कटौती करती है कि ज्यादा खर्चा नहीं करना है और घाटे को कम करने की कोशिश करती है क्लियर तो जीरो बेस बजट जिसमें इनकम कम होता है और एक्सपेंस ज्यादा होता है और सरकार यहीं पर घाटे को कम करने के लिए जितना भी एक्सपेंस होता है उसको काटती है कि खर्चा कम करो खर्चा कम करोगे तो इनकम बढ़ेगा ठीक है तो जिसमें इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा उसको कहा जाता है जीरो बेस बजट फिर एक होता है आउटलुक बजट ठीक तो ये आउटलुक जो बजट होता है ये किसी मंत्रालय या विभाग के लिए विशेष रूप से जारी किया जाता है ठीक तो किसी मंत्रालय या विभाग के लिए जब विशेष रूप से बजट जारी किया जाता है तो उसको कहा जाता है आउटलुक बजट ठीक जो एक स्पेशल किसके लिए होता है किसी विभाग या मंत्रालय के लिए होता है ठीक है तो बजट के पांच प्रकार आम बजट परफॉर्मेंस बजट जीरो बेस बजट जेंडर बजट एंड लास्ट में आउटलुक बजट क्लियर ठीक ओके अब आ जाओ बजट भारत में बजट तो बता चुका हूं मैं कि भारत में अगर पूछेगा बजट की शुरुआत कब हुई तो पहला बजट आया 1860 में ठीक और भारत ने बजट के पिता जेम्स विल्सन फिर उसके बाद रेल बजट आम बजट कब अलग हुआ तो 1921 में एक्वर्ड कमेटी के कहने पर पहली बार अलग से रेल बजट और पहली बार अलग से सिंगल सिंगल आम बजट पेश हुआ फिर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट सटमुखम से थी गणतंत्र भारत का 1950 में कौन जॉन मथाई और रेल बजट आम बजट को एक किया गया सन 2017 में और बजट का जो टाइम था जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था वो भी हो गया एक फरवरी से कब 2017 से क्लियर इतना जानना है बजट के बारे में आपको इसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में ठीक सॉरी 112 में आर्टिकल 112 में एक शब्द यूज किया गया है और उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण 110 मनी बिल है ठीक 112 है आपका वार्षिक वित्तीय याद रखिएगा भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है अगर क्वेश्चन पूछता है कि बजट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है ठीक और ऑप्शन में दिया है 110 111 112 एंड नन ऑफ दिस तो आंसर नन ऑफ दिस है क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है तो बजट की जगह क्या लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है हमारे संविधान में ना कि बजट शब्द का उल्लेख है ठीक है क्लियर तो याद रखिएगा इस बात को बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में ठीक तो बजट की जगह हमने क्या लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है ठीक है क्लियर ठीक तो इतना जानना है आपको किसके बारे में बजट के बारे में ठीक अब देखो अब 2021 का बजट तो इसको सुनते चलो और नोट करते चलो कुछ नहीं है इसको केवल ध्यान में रखना है इतना बजट में आया ठीक तो निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश की 2021 भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अभी ये नहीं है ठीक 19 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वे पेश किया ठीक बात अलग है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीसरी बार बजट में अर्थव्यवस्था के संकुचन फाइनेंशियल ट्वेंटी टू के लिए स्तंभ रखे गए थे तो कितने स्तंभ थे छ एक, एक पॉइंट बन जाएगा ठीक फिर उसके बाद टू पॉइंट एट लाख करोड़ रुपए के परिवहन के साथ जल जीवन मिशन कौन सा मिशन शुरू किया गया जल जीवन मिशन और इसका फंड कितना था 2.87 लाख करोड़ ये याद रखना है जिसका काम क्या था जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि पांच वर्षों तक सभी घरों में क्या करना जल की सुविधा उपलब्ध कराना ठीक तो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई क्लियर और इसका फंड कितना था टू करोड़ ठीक उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत टू के लिए किसके लिए स्वच्छ भारत टू के लिए, लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए क्या किया गया रखा गया ठीक है 2021 का बजट बता रहा हूं ना ठीक तो 1.42 लाख करोड़ किसके लिए स्वच्छ भारत के दूसरे चरण के लिए रखा गया ठीक उसके बाद निर्मला सीतारमण ने एक प्रोग्राम शुरू किया जो वॉलेंट्री वाहन स्क्रैपिंग नीति के संबंधित है ठीक कि पुराने वाहनों के बदले 10 साल पुराने वाहन जो है उनको निकालो 10 15 साल पुराने वाहन निकालो और उनकी जगह नए वाहन लेने के लिए ठीक है तो कौन सा प्रोग्राम था ये वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति फिर उसके बाद फिर उसके बाद कोविड नाइन्टीन टीकाकरण के लिए उन्होंने कितना दिया पैंतीस हजार करोड़ रुपए किसके लिए कोविड 19 के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इनवाइट प्रोग्राम का आयोजन किया गया कौन सा प्रोग्राम इनवाइट ठीक ओके कौन सा प्रोग्राम इनवाइट प्रोग्राम आयोजित किया गया ठीक उसके बाद रेलवे कमीशन के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी देख लो कोई जरूरी नहीं है उसके बाद भारत माला परियोजना के तहत सड़कें बनाई जाएंगी ठीक कितना तेरह हजार किलोमीटर से अधिक कौन सी तहत भारतमाला परियोजना सब सड़कों को जोड़ने के लिए परियोजना है ठीक है उसके बाद भारतमाला परियोजना के तहत अब तक कितना किया जा चुका है तीन हजार आठ सौ किलोमीटर यह दो हजार इक्कीस का आंकड़ा है तो तीन हजार आठ सौ किलोमीटर है कहां तक परियोजना के तहत ठीक और 2022 तक कितना किलोमीटर पूरा करना है पचासी किलोमीटर पचासी सौ किलोमीटर 2021 में अड़तीस सौ किलोमीटर सड़क बना ठीक और इसको 2022 में कब तक पूरा करना है 2022 में कितना 8500 किलोमीटर ये याद रखना जिसमें से गोला लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट है ना तो भारत माला के तहत दो में अड़तीसौ किलोमीटर सड़कें और 2022 तक कितना पचासी किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य है ठीक फिर ब्लूमबर्ग रेटिंग एजेंसी है ये एक आंकड़ा निकाली है इसने बोला कि वह 2021 तक 21 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 9.8 परसेंट होगा और 2022 में 6.8 पॉइंट परसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का का घाटा 2021 में रहने अनुमान है ठीक और 2022 में 6.8 पॉइंट परसेंट ये राजकोसी घाटा के बारे में बोल रहे हैं ना किसके तहत ब्लूम के तहत क्लियर ठीक है फिर उसके बाद उसके बाद है आपका छोटी कंपनियों को परिभाषा परिभाषा को अपडेट करने के लिए ठीक छोटी कंपनी किसको बोलेंगे तो उसके लिए रखा गया पचास लाख रुपए ठीक कि छोटी कंपनी किसको बोलेंगे जो पचास लाख से शुरुआत हो करोड़ों तक जुटा है ठीक तो उसको छोटी कंपनी का दर्जा दिया जाएगा फिर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण आहार का विलय किया गया और इसको बना करके क्या शुरू किया गया पोषण टू अभियान किसको मिलाया गया अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का पोषण में विलय किया गया ठीक ठीक तो पोषण में किस कार्यक्रम का विलय किया गया पूछेगा तो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का विलय किया गया और दोनों को मिलाकर के एक किया गया जिसमें रखा गया नाम पोषण टू ठीक क्लियर ओके सुनते चलो और नोट करते चलो ठीक फिर उसके बाद इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई जिसको बोला जाता है पीएम डिवाइन योजना ठीक तो पी डिवाइन योजना केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम निर्मला सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया ठीक इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनटेटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएम ठीक वी आई एन ई ठीक तो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इंटेटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पूरा नाम पीएम से प्रधानमंत्री डी DEV से डेवलपमेंट आई से इंटेटिव और एन ई से नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट के लिए पी एन डी योजना की घोषणा की गई और जो स्पेशली फॉर मिजोरम के लिए था ठीक ओके okay. किसके लिए था मिजोरम के लिए था ये क्लियर तो यहां पर क्या करना था कि मिजोरम में किसका बांस लिंक रोड का निर्माण करना था जो सड़क से जंगल तक जाए और जंगल से बांस का परिवहन आवाजाही आसानी से हो सके तो बांस लिंक सड़क का निर्माण करना था इसके बाद इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक और कैंसर की इलाज के लिए और इसके लिए काम करना था ठीक बच्चों के स्वास्थ्य और कैंसर के इलाज के लिए काम करना था यह जो योजना था यह पूर्ण रूप से मिजोरम के लिए था ठीक ओके ठीक उसके बाद इसके इस योजना के तहत इस योजना के तहत मिजोरम में अपनी तरह का क्या बनेगा एक ब्लूमबर्ग लिंक रोड का निर्माण होगा किसका बैंब लिंक रोड्स का निर्माण ठीक ओके तो बांस लिंक रोड का निर्माण करना जो सड़क से जंगल तक जाए और जंगल से बांस का आवाजाही हो सके प्लस बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित भी इस योजना में काम करना था ठीक है तो पी एन डीवाइड योजना नॉर्थ ईस्ट के लिए था और नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट के लिए मिजोरम के लिए ठीक इसके बाद मिजोरम को क्या फायदा होगा इससे तो मिजोरम को फायदा ही होगा कि दो परियोजनाएं चलेंगी एक बांस लिंक रोड के लिए पायलट परियोजना और राज्य के विभिन्न जिलों में सौ करोड़ से संभावित विभिन्न स्थानों में सड़कों का निर्माण करना ठीक सड़कों के निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य था तो मिजोरम को फायदा यह होगा कि बांस लिंक रोड बनेगा क्योंकि वहां पर जंगल वंगल के चक्कर में सारे के सारे आने जाने की क्रिया हो जाएगी और प्लस सौ मतलब सभी जिलों में सौ करोड़ की लागत से क्या बन जाएगा सड़क बनेगी ठीक तो सड़क परिवहन के लिए मेन मुद्दा एक ओवरऑल किस पे बेस हो गया ये परिवहन पर बेस हो गया किस पे बेस हो गया ये परिवहन पर बेस हो गया ठीक और इस पीएन डिवाइन योजना को कौन लागू करेगा तो उत्तर पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसको रिलीड करेगी ठीक करेगी, है ना मतलब उसको लागू करेगी इंप्लीमेंट करेगी क्लियर तो पी एन डिवाइन योजना ठीक किसके लिए संबंधित है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्लियर अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है ठीक जो आपके केंद्रीय बजट 2022 से संबंधित है तो केंद्रीय बजट पहला क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2022 हजार के अनुसार कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा तो चार स्थानों पर ठीक क्या बनाया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दूसरा क्वेश्चन केंद्रीय बजट बाईस तेईस के अनुसार कितने डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किए जाएंगे तो एक एक डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा तीसरा क्वेश्चन केंद्रीय बजट 22 23 के अनुसार कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया जाएगा कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तो 25000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया जाएगा ठीक चौथा क्वेश्चन केंद्रीय बजट 22 23 के अनुसार कितने रो पे परियोजना लागू किया जाएगा तो कितने आठ आठ रो पे परियोजना लागू किया जाएगा क्लियर पांचवा क्वेश्चन केंद्रीय बजट बाईस तेईस के अनुसार वित्त वर्ष बाईस तेईस में रात घाटा कितना प्रतिशत रहने, तो रहने का अनुमान है तो रात घाटा सिक्स पॉइंट फोर परसेंट रहने का अनुमान है ठीक एंड लास्ट आर्थिक समीक्षा इक्कीस बाईस के अनुसार किसने भारत की स्टार्टअप राजधानी के तौर पर कौन सी राजधानी स्टार्टअप राजधानी के तौर पर बेंगलोर को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है तो स्टार्टअप राजधानी के तौर पर कौन आ गया बेंगलोर को पछाड़ करके दिल्ली आ गई है कौन आ गई है दिल्ली ठीक है क्लियर इतना जानना है आपको बजट के बारे में समझ में आया ठीक ओके इससे ज्यादा बजट में आपको नहीं देखना है कुछ भी क्योंकि आपके एक तो सिलेबस में वो है भी नहीं एमपीपीएससी के सिलेबस में है भी नहीं फिर भी इस बजट को मैंने डिस्कशन कर लिया आपके साथ ठीक कि बजट का इतिहास बजट का प्रकार दो बजट इक्कीस को बताया हूं मैं और फिर केंद्रीय बाईस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको सामने लाया क्लियर ठीक एक बार और एक तो क्लास ले लूंगा जो पूरा का पूरा 2022 के बजट से संबंधित होगा ठीक है क्लियर तो बजट के आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ठीक ओके क्लियर चलिए अच्छे से पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट्स में बताइएगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी ठीक ओके धन्यवाद नमस्कार जय हिंद